अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आपको सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैर से। आज इंशाल्लाह जिस भी रिएक्शन देने जा रहे हैं, आरएच नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी आप लोगों की। सबसे पहली बात तो मुहर्रम की आज पहली तारीख शुरू हो गई, यानी कि हमारा नया साल, इस्लामिक नया साल शुरू हो चुका है। और हम सब जानते हैं मुहर्रम के बारे में, इमाम हसन हुसैन जो करबला में शहीद हुए, किसके लिए शहीद हुए? इस्लाम के लिए शहीद हुए। तो टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये है कि इमाम हसन हुसैन के ऊपर जो भी हमारे भारत के तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है। जैसे कि गांधी जी हो गए जो हमारे इंडिया के हैं, और तमाम लोगों ने कहा है, लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्होंने क्या कहा इमाम हसन और हुसैन के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर किया करिए, और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के जो आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो किसी भी तारुफ़ के यानी कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी के दिन इराक देश के करबला के इलाके में अपने चंद साथियों के साथ उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उसकी वजह से वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मगर दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के केस में हम लोगों को एक चीज़ बड़ी ही डिफरेंट नज़र आती है। वो ये है कि अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारी दुनिया के इतिहास में जितने भी धार्मिक मजहबी यानी कि रिलीजियस लोग गुजरे हैं, तो वो उसी धर्म में, उसी मजहब में या उसी रिलीजन के लोगों में मशहूर होते हैं, काफ़ी मकबूल होते हैं कि जिससे वो बिलोंग करते हैं और जिससे वो एसोसिएटेड होते हैं। मगर हज़रत इमाम हुसैन का केस तो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि मुसलमान तो सारे के सारे उनके दीवाने हैं ही, उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। मगर गैर मुस्लिमों के अंदर भी हमेशा से ही उनकी तारीफ़ें करने वाले लोगों की, उनको फॉलो करने वाले लोगों की, और उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत की दाद देने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। इतिहास में वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और फ्रीडम फाइटर यानी अपने देश के लिए लड़ने वाले न जाने कितने ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने अपने वक्तों में हज़रत इमाम हुसैन को लेकर ऐसे बयान दिए कि जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हज़रत इमाम हुसैन पर दिए गए कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले बयान दिखाएंगे कि जो दुनिया के कुछ बड़े मशहूर लोगों की तरफ से दिए गए हैं। लिस्ट में पहला नाम है भारत के फादर ऑफ नेशन यानी कि गांधी जी का। वही गांधी जी के जिन्होंने किसी दौर में भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का सहारा लिया, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी ताकत को भी अपनी किसी भी बड़ी दुश्मन के फौज के सिपाहियों से कहीं ज्यादा उन गांधी से डर लगा करता था कि जो नॉन वायलेंस का नारा देकर सड़कों पर उतरा करते थे। आज भी अहिंसा का प्रतीक माने जाने वाले गांधी जी ने इमाम हुसैन के बारे में काफी कुछ कहा था। उन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने इमाम हुसैन से ही सीखा है कि जब आपके ऊपर जबर हो रहा हो यानी आपका उत्पीड़न हो रहा हो, तब भी जीत कैसे हासिल की जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लाम की प्रोग्रेस यानी कि इस्लाम की तरक्की तलवार पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि ये तो इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास हजरत इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी आर्मी मौजूद होती तो मैं ब्रिटिशर से इंडिया को सिर्फ 24 घंटे में ही आज़ाद करा लेता। इसके अलावा गांधी जी का एक और कोट जो इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है, वो भी अक्सर मेंशन किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को एक सक्सेसफुल कंट्री बनना है, कामयाब देश बनना है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। दोस्तों, अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम सिखों के मशहूर गुरु यानी कि संत गुरु नानक जी का भी है। उन्होंने एक बार अपने एक फॉलोअर से कहा था कि हजरत इमाम हुसैन का मातम मनाया करो। इस पर उनके फॉलोअर ने कहा कि वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। सिखों के सबसे बड़े गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमको ये हुक्म देता हूँ कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। इस पर उनके इस फॉलोअर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरा जमीर मुझको इजाजत नहीं देता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहा कि यही जमीर तो इमाम हुसैन है, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि जमीर वाले लोगों के भी गुरु हैं। आसान भाषा में कहूँ तो गुरु नानक जी का ये मानना था कि इंसान की वो अंतरात्मा, वो जमीर कि जो उसको किसी भी गलत काम करने से रोकता है, वही इमाम हुसैन है। गुरु नानक जी की इमाम हुसैन के बारे में कही गई इस बात का जिक्र गुरु का ज्ञान वॉल्यूम नंबर 1 में भी मिलता है। अब नजर डालें अगर अगले नाम पर, तो वो हैं साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जिनको हमारी दुनिया का दूसरा गांधी भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया की राजनीति पर थोड़ी बहुत भी नजर रखने वाला कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो इस इंसान को ना जानता हो। इन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका के अंदर लंबे वक्त तक रंगभेद वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा भी जेल में काटा। गांधी जी से काफी इंस्पायर नजर आया करते थे और गांधी जी की तरह ही आखिरकार इनको अपने मकसद में कामयाबी मिली और इनका देश न सिर्फ रंग भेद वाली उस हुकूमत से आजाद हुआ बल्कि ये देश के राष्ट्रपति भी बने। नेल्सन मंडेला जैसे बड़े नेता ने भी एक जगह पर लिखा है कि जब लगभग लगातार 20 साल मैं जेल के अंदर काट चुका था तो अचानक से एक रात मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं हुकूमत की शर्तों को मान लूं और यहां से आजाद हो जाऊं। मगर तभी मुझको इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आ गया और इमाम हुसैन ने ही मुझको सही यानी कि सच और आजादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी और ये इमाम हुसैन का दिखाया हुआ रास्ता ही था कि जिस पर चलकर फिर मैंने अपने इस बड़े मकसद में कामयाबी हासिल की। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम भारत के एक बहुत ही मशहूर राइटर और पोइट का है कि जिनको हम सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। ये वही बड़े और मशहूर राइटर हैं कि जिन्होंने किसी दौर में भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को लिखा था। इन्होंने एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि इंसाफ और सच को जिंदा रखने के लिए हमको एक आर्मी और हथियारों की जरूरत हो बल्कि इसको कुर्बानी के जरिए से भी जिंदा रखा जा सकता है जैसा कि इमाम हुसैन ने किया था। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जगह पर इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम ग्रुप्स और तमाम कम्युनिटीज के लिए है और मिसाल है उस रास्ते की कि जो सबसे सही है। दोस्तों हिंदुओं के जो एक मशहूर संत हुआ करते थे स्वामी शंकराचार्य की जिनकी डेथ अभी सन 2022 में हुई है, इन्होंने भी एक बार कहा था कि ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि जो इस्लाम आज दुनिया में इस तरह से जिंदा है वरना दुनिया में इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। फिलहाल दोस्तों ये तो चंद ही गैर मुस्लिम थे कि जिनको हमने आज की इस वीडियो में इंक्लूड किया है वरना जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है और दुनिया भर के बड़े बड़े स्कॉलर साइंटिस्ट और न जाने किस किस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इमाम हुसैन की तारीफों के पुल बांधे हैं मगर आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया है कि जिनका ताल्लुक इंडिया से है या फिर नेल्सन मंडेला जैसे कुछ और लोग कि जिनको आप लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं और जिनके साथ आप लोग रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा और जाना कि इमाम हसन हुसैन के बारे में इनकी क्या राय थी, इनका क्या कहना था। ये दुनिया के बड़े बड़े लोग थे, नामी लोग थे और इनकी क्या राय थी, क्या मशवरा था, देखिए हमने सब जाना इस वीडियो के जरिए से। और ये बात तो सच है कि करबला की ज़मीन पे पूरा पूरा ख़ानदान उन्होंने अपना शहीद कर दिया। किसके लिए? अपने नाना की दीन के लिए, अपने नाना की उम्मत के लिए। और हम हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए नमाज की हालत में इमाम हसन उनका सर को कलम किया गया। तो नमाज उस वक्त नहीं माफ़ थी तो सोचिए ऐसे कैसे माफ़ हो जाएगी। अगर नमाज माफ़ होती तो नमाज छोड़ देते लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने, सजदे की हालत में सर को क्या बोलते हैं कटा दिया और शहीद हो गए और अपने नाना को दीन को बचा लिया। तो हम सबको चाहिए नमाज पढ़ें, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है ये समझ लीजिए आप। नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए हर इंसान को। कोशिश करें 5 टाइम की नमाज ज़रूर पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को पढ़ाएं, अपने दोस्त यारों अपने रिश्तेदारों को अपने पड़ोसियों को सबको नमाज की दावत दी। नमाज बहुत अहम इबादत है, नमाज हर बुराइयों से बचाती है और नमाज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो नमाज ज़रूर पढ़ें, इसका एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।